जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट इंटरफेस स्टाइल्स हम पढ़ रहे थे कि कौन सा इंटरफेस स्टाइल है, किस तरह की एप्लीकेशन है, तो आपको कौन सा इंटरफेस स्टाइल चूज करना है। तो ये फाइनल पेपर में भी काफ़ी सारे पेपर मैं प्रैक्टिकली बनाऊंगा फाइनल। इकबाल गनी अनस, ये क्यों उसने लेफ्ट कर दिया, ये ज़रा चेक कीजिएगा ज़रा सीआर, फिर मुझे बताइएगा। इकबाल गनी विम्प इंटरफेस स्टाइल, और बिल्कुल हमारा एक और जी एक आध और इंटरफेस स्टाइल रह गया है, तो वो हम देखेंगे। विम्प इंटरफेस स्टाइल्स फॉर विंडोज आइकन्स मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। बाय डिफॉल्ट जो आपका सिस्टम है उसका बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस लेआउट होता है वो विम्प होता है, क्योंकि उसमें विंडोज को भी आप उसके अंदर जो भी फीचर्स हैं उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आइकन्स का भी इस्तेमाल है, मेन्यूज का भी है, पॉइंटर्स का भी है। तो आप ये देखें कि अब डिफरेंट विंडोज को देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा नहीं। विंडोज में डिफरेंट आप देखें, आप स्क्रीन लैपटॉप वगैरह में अभी देख लें कि आप उसको मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, उसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपने फीचर्स को डालना है, जो भी आपने शॉर्टकट बनाने हैं, आप विंडोज को भी रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं उसकी मूवमेंट। तो विंडोज की भी बीच में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, टाइल्ड विंडो, ओवरलैप और कैस्केडिंग विंडोज। ये अगर आप अपने लैपटॉप पे या जो भी सिस्टम है उस पर राइट क्लिक करें अपने टूल बार वगैरह पे, और वहां पर आप देखेंगे विंडोज की फिर टाइप्स आ जाती है। टाइल्ड विंडो का मतलब है कि आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में सारी आना शुरू हो जाती है, ग्रिड फॉर्मेट में आना शुरू होती है। अगर आप तीन एक्टिविटीज पे काम करें तो तीनों की वो टाइल टाइप एक बार टाइप बना लेगा इंडिविजुअली। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि जो आपकी करंटली है वो आपकी एक्टिव मोड ऊपर होगी, और जो जितनी बाकी जो टास्क हैं, जो अगर आपने कोई और एक्टिविटीज भी खोली हुई है वो उसके नीचे होती हैं। जो करंटली एक्टिव होती है वो आपके ऊपर होती है उसकी विंडो, और बाकी उसके नीचे एम्बेडेड होती है, तो जिसपे भी आप क्लिक करना चाहें। कैस्केडिंग विंडो भी होती है, और उसमें बाज़ का आप देखेंगे आप डिफरेंट अगर टास्क कर रहे हैं तो ऑल टैब एक ऑप्शन है, वो भी करके आप यूज करके डिफरेंट टास्क को बजाय कि आप मिनिमाइज करें मैक्सिमाइज करें फिर जाएं, तो आप वो जो मेन्यूज जो टाइप्स हैं या विंडोज हैं जो भी आप उसको खोल सकते हैं। स्क्रॉल बार्स हैं, टाइटल बार्स हैं, आप इसको स्क्रॉल बार्स को भी रीसाइज कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड। अब ये जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ये माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंटली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो उन्होंने ये प्रोग्रामिंग की है। तो अगर आप विम्प इंटरफेस स्टाइल को, अगर आप डेस्कटॉप बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है विम्प इंटरफेस, अगर आप डेस्कटॉप के लिए विम्प इंटरफेस स्टाइल को चूज करेंगे तो फिर विंडोज पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आपने कोई शॉर्टकट बनाने हैं, आपने कोई अपने आइकन्स या अपनी जो आप समझ लेते हैं जो फ्रीक्वेंट जो टास्क के फीचर्स यूज हो रहे हैं वो आपने आप कंट्रोल पे दिखाने हैं, आपने उसको रीसाइज करनी है। तो अगर इस तरह की आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर आप विंडोज का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, जिस तरह विंडोज को हम कहते हैं कि जब भी कोई टास्क आप करते हैं तो उसका एक आइकन बन जाता है, ठीक है ना। आइकन को अगर आप श्रिंक करेंगे, जब हम मसल फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट पे आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो जब आप उसको मिनिमाइज करते हैं तो उसका एक छोटा सा आइकन बन जाता है, और उस आइकन के साथ उसकी इमेज भी बन जाती है। लाइक पावर पॉइंट है तो उसका पावर पॉइंट की उसका एक लेआउट होगा, और उसका जो डॉक्यूमेंट का नाम है या स्लाइड का नाम है, जो भी लेक्चर का नाम है, तो वो उसका साइड पे लिखा होता है, तो वो उसको आइकॉनिफाइंग बोलते हैं। जब श्रिंक होके उसका एक आइकन बन जाता है तो आप उसको रीसाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल जब अपने आप अपना लॉग इन वगैरह के फॉर्म बनाते हैं, ये सारी चीजें जी। ओके इकबाल, आप ठीक है, आप आ गए, लॉग इन हो गया आपका, ठीक है, फाइन। तो मैसेज नीचे मैंने पढ़ लिया, और पॉइंटर्स पे काम करते हैं। पॉइंटर्स का मतलब आप जब पॉइंट करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एंट्री करनी है, डाटा एंट्री करा है, तो वहां पर आप पॉइंट कराते हैं कि टेक्स्ट फील्ड या टूल टिप टेक्स्ट, एक चीज होती है आपको याद अगर हो, फॉर्म्स पे टूल टिप टेक्स्ट का मतलब है अगर आपने कोई उसकी सजेशन या आपने उसकी कोई इंफॉर्मेशन या आपने कोई उसका बारे में गाइडलाइन देनी है, तो यूजर अगर उस पे उस ऑप्शन पे उस टेक्स्ट फील्ड पे जो भी कंट्रोल आपने रखा हुआ है वहां पर रखता है, तो वहां पर उसकी गाइडलाइन नीचे आ जाती है, तो टूल टिप टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो पॉइंटिंग की पोजीशन आप करवा सकते हैं, और सिलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको, डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं। मेन्यूज का आप पढ़ चुके हैं, मेन्यूज की टाइप्स, मेन्यूज की आइकन को प्रेजेंट करना, मेन्यूज किस किस तरह के होते हैं। तो फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि विम्प लुक एंड फील, लुक एंड फील की जब बात करते हैं, अगर इंटरफेस की एक लुक एंड फील आप कहते हैं ना बड़ा अच्छा है, तो उस लुक एंड फील में
बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, विम तो आ जाता है उसमें, आइकन्स भी, मेन्यूज भी, पॉइंटर्स का इस्तेमाल, जब आप कोई चीज पॉइंट करा रहे हैं, जब आप कोई बटन कर रहे हैं तो उस पर पॉइंट नहीं होगा, बटन पे प्रेस होगा या ऑन क्लिक होगा, ठीक है, ऑन प्रेस पे भी आप इवेंट रख सकते हैं, ऑन क्लिक पे भी रख सकते हैं। तो विम की लुक एंड फील की अगर बात करें तो उसमें विम के अलावा बटन, डायलॉग बॉक्सेस और पैलेट्स भी, ये तीन चीजें भी आ जाती हैं। इसको विजेट्स ऑफ एन इंटरफेस बोलते हैं, ये बटन्स, डायलॉग बॉक्स और पैलेट्स। ये क्या क्या मतलब होता है मैं इसको बता देता हूँ, ये बहुत आसान है, आप इसको अपने इस्तेमाल में भी करते हैं, बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम एक आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन, अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, या अगर आपने कोई मेन्यूज पे रखा हुआ है, या अगर आपने नेक्स्ट पे रखा है, होम पे रखा हुआ है, नेक्स्ट प्रोसीड करना है, तो आप बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। डायलॉग बॉक्सेस का मतलब है, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जाम्पल लें, जो आप सेव करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट करके एक विंडो खुल जाती है, उस पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, सोर्स फाइल का नाम क्या है, अगर आपने ओवरराइट करनी है, फिर है सेव एज करना है, सेव करना है कहाँ करनी है, किस डायरेक्टरी में, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यूजर को गाइडलाइन देते हैं, प्रॉम्प्ट करके इन्फॉर्म करके, वो उसको डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप कहते हैं कि आपने अपडेट किया या आपने डिलीट किया, तो एकदम वो हमेशा सिस्टम इसे डिलीट तो नहीं होती, अगर आप ऐड करते हैं तो प्रॉम्प्ट करके बताता है कि दिस फाइल इज ऑलरेडी बीन एडेड या सेव्ड है, डू यू वॉन्ट टू अपडेटेड, डू यू वॉन्ट टू ओवरराइटेड, या डू यू रियली वॉन्ट टू सेव इट, जिस तरह भी आप प्रॉम्प्ट करके यूजर को कन्वे करते हैं, वो एक डायलॉग बॉक्स में शो करते हैं। तो डायलॉग बॉक्स भी आप लाजमी बनाया करें, ये नहीं आपने सिर्फ बटन बना दिया और ऐड हो गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो प्रॉम्प्ट के जब यूजर से पूछते हैं और यूजर को कन्वे करते हैं या यूजर को मैसेज देते हैं, जिस तरह आप जावा में यूज करते थे जी ऑप्शन पैनल, तो कोई भी आपने इसका कोई यूज किया, तो बटन्स का इस्तेमाल, डायलॉग बॉक्सेस का। और पैलेट्स का क्या मतलब है, पैलेट्स को पहले मैं जरा उर्दू में समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर उसकी इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ता हूँ। तो पहले जरा आप समझ ले पैलेट्स का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, पैलेट को जो ये समझाना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड है, या आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करें या आईफोन यूज करें, कुछ भी आप यूज करें, इनकी बाय डिफॉल्ट जो है इन्होंने मेन्यूज या ऑप्शंस या आपके पास प्रोग्राम्स का दिखा। अब आप जो इनकी जो इसकी टूल बार है या इसका जो पेज है, आप वहां पर अपने तौर पर उन फीचर्स को या उन प्रोग्राम्स को वहां पर उसको कस्टमाइज करके उसको दिखाना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आप उसका एक कंट्रोल या ऑप्शन दिखाना चाहते हैं, अगर किसी और मोड में भी दिखाना चाहते हैं, तो वो पैलेट्स का इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप एक फीचर को किसी मेन्यू में दिखा रहे हैं, अगर उसी फीचर को आप शॉर्टकट बार में, नीचे मेन्यूज में, या आप उसका आपने कोई उसका एक ऑप्शन कमांड रखती है कुछ, तो उसके थ्रू भी, या शॉर्टकट के थ्रू भी, शॉर्टकट जिस तरह टूल बार पे होता है वहां पर क्लिक करता है तो यूजर डायरेक्टली वो फीचर एक्सेस कर सकता है। अगर इंटरेक्शन किसी और मोड में भी आपने यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए रखी हुई है, किसी और पॉसिबल मोड में भी, वो पैलेट्स का इस्तेमाल करना होता है। तो ये अगर आप देखेंगे, पैलेट्स की डेफिनेशन यही कह रही है, इंटरेक्शन ये डेफिनेशन ही है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इंटरेक्शन कैन बी इन वन ऑफ द सेवरल मोड लाइक इंसर्ट मोड, थ्रू कमांड मोड, या आप इसको कुछ डिफरेंट मोड में, ऑप्शंस में, कंट्रोल्स में दिखा सकते हैं, ये डेफिनेशन है। पैलेट्स इज द मैकेनिज्म फॉर मेकिंग द सेट ऑफ पॉसिबल मोड्स एंड द एक्टिव मोड विजिबल टू द यूजर। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर डेफिनेशन आपको समझ आएगी। पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको पैलेट्स का मतलब समझ आ जाएगा। तो ये खाला जी का घर नहीं है पैलेट्स का इस्तेमाल करना, इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। पहले आप अपनी मेजर फंक्शनैलिटी कर लेते हैं, फिर आप ये कंट्रोल बार, ये पैलेट्स, ये अनदर मोड में ऑप्शन, ये शॉर्टकट्स, ये यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए, और आपने शॉर्टकट्स बनाए, कोई कमांड से आपने कुछ ऑप्शन एक्सेस करने के लिए यूजर को दिखा रहे हैं, तो ये एफर्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, टूल बार देखिए, अगर हमारे पास टूल बार है तो हम उसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप किसी प्रोग्राम को करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं जी ब्राउजर है कोई यूज करें, हम उसको डेस्कटॉप से उठा के उसको टूल बार में जू एंड ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। फिर हम टूल बार पे राइट क्लिक करते हैं, उसकी ऑप्शन कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज करके फिर वो प्रोग्राम की लिस्ट देता है जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें से आपने कौन से प्रोग्राम को या उसके आइकन को आपने वहां पर अपलिस्ट करना है, तो वो आ जाएगा। तो टूल बार में हम डिफरेंट मोड में, पॉसिबल पोजिशन में, डिफरेंट वे से यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए वो ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो पैलेट डेफिनेटली कुछ एक्टिव मोड, विजिबल सेट ऑफ जो पॉसिबल मोड है, और जो एक्टिव मोड है जो आपके पास एक यूजर को दिखाने के लिए एक जनरल है, जिस तरह मेन्यूज अगर आप यूज कर रहे हैं तो मेन्यू में आपने ऑप्शन रखा हुआ है, मगर उसी को अगर आप टूल बार में या किसी कमांड के थ्रू भी आप उसको दिखा रहे हैं, तो दैट इज द पर्पज ऑफ द पैलेट्स। तो बटन, डायलॉग बॉक्स और पैलेट्स, ये विजिट्स ऑफ एन इंटरफेस कहते हैं, यानी इंटरफेस का ये लाजमी जुज होते हैं,
कि बटन्स तो आप इस्तेमाल करते हैं, डायलॉग बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, तो पैलेट्स का भी बाज लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट जो रखने के लिए, यानी जो ऐसी ऑप्शन जो बार बार यूजर अपनी उस सॉफ्टवेयर को, उसमें कोई ऐसा फीचर है जो बार बार वो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, एग्जामिनेशन सिस्टम है. अब एग्जामिनेशन सिस्टम में जो बार बार वो इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट का रिजल्ट, स्टूडेंट के ट्रांसक्रिप्ट, स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना, तो वो अगर मेन्यू में रखेगा, उसकी सब मेन्यू में रखेगा, तो जो भी उसको यूज करने वाला है वो मेन्यू पे क्लिक करेगा, सब मेन्यू पे क्लिक करेगा, फॉर्म खुल जाएगा. तो वो बजाय कि इस तरह ऑप्शन रखने के, उसमें भी रखा हुआ है, उसने शॉर्टकट नीचे आइकन बनाया हुआ है और पैलेट टूल बार पे उसने एक ऑप्शन दिया है, जो ही वो क्लिक करेगा उसके सामने वो फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उसमें नंबर डालेगा उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर और रिजल्ट जनरेट हो. तो पैलेट्स का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए. ये कुछ स्टूडेंट जो है ना, मैं देखता हूँ कि ज्वाइन करते हैं और रीज्वाइन करते हैं, तो मैंने इसी वजह से क्विज एक्टिविटी ऑन, क्लास एक्टिविटी ऑन, होम असाइनमेंट ये रखी हुई है. और बेफिक्र है, अपकमिंग जो नेक्स्ट इंटरफेस टाइज डिजाइन की चीजें आएंगी उसमें इसी तरह की क्रिएटिव चीजें भी आएंगी, क्योंकि आपका इसमें कोर्स में प्रोजेक्ट नहीं है, बट इसमें असाइनमेंट्स, टास्क, होम बेस्ड असाइनमेंट, ये इसी तरह की एक्टिविटी है जिसमें सेशन में आपके नंबर लगेंगे. और आप ये देख लेंगे, दो दो क्विज और दो दो क्लास और होम असाइनमेंट हो चुकी हैं. और अभी मैंने शुरू में करा सकता था एर्गोनॉमिक्स पे असाइनमेंट और विजुअल अफोर्डेंस पे असाइनमेंट्स और एमबीटीआई पे, बट वो मैंने यहाँ के लिए पेपर में भी कुछ दे दी. तो जो आपको होम बेस्ड असाइनमेंट या टास्क असाइनमेंट या कोई आपको चीजें लेक्चर पढ़ाई जाती हैं, तो वो कुछ असाइनमेंट में आ सकती हैं, कुछ आपको फाइनल पेपरों में आएंगी. तो ये ख्याल रखें, ये लोग जो कह रहे हैं कि हम बाद में लेक्चर सुन लेंगे, वो उस मोड में वो मजा नहीं आता फिर जो बाद में सुनेंगे. डायरेक्ट मैनिपुलेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक ऐसा इंटरफेस स्टाइल है. फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एप्लीकेशन जिसमें यूजर को फुली आप कंट्रोल दें, ऐसी एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि ये जो स्मार्टफोन्स की जो भी आपके सामने एप्स, प्रोग्राम्स है, ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन एक लेआउट है या कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें यूजर्स डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम, मेमोरी कस्टमाइज करना है, किसी भी सिस्टम की एक्सेस करना है, उसको चेंज करना है, अपने मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको डालना है, तो वो आप कर सकते हैं. तो इसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन में फर्स्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन जो भी यूजर है, ऑपरेटर्स है, वो एक्शन परफॉर्म करता है. इस डायरेक्ट मैनिपुलेशन जो लेआउट है उसमें क्या फीचर्स या क्या आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए. फॉर एग्जांपल विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है. एग्जाम्पल यूजर जो भी इस्तेमाल करने वाला है, जिस तरह की भी एप्लीकेशन है, किसी मोड में भी है, किसी जगह पे भी है, किसी लेआउट पे भी है, किसी फॉर्म पे भी है, यानी किसी इंटरफेस की किसी पोजीशन पे भी है, वो हर ऑप्शन, हर फीचर उसको उस जगह से एक्सेसिबल होना चाहिए. वो किसी भी ऑप्शन, किसी भी सब फीचर, किसी भी फीचर को एक्सेस करना चाहे, वो इजिली किसी जगह से भी किसी फीचर को एक्सेस कर सके. क्विक रैपिड फीडबैक, रैपिड रिस्पॉन्स होना चाहिए. जो इसमें जो थर्ड और फोर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एक्शंस, कि यूजर अपना जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको अंडू करके बैक स्टेज, यानी बैक, जिस तरह बैक ट्रैकिंग होती है, रिवर्स कर सके एक्शन. तो ये हर तरह की एप्लीकेशन में अंडू और रिवर्स फीचर आप नहीं रख सकते, किसी किसी तरह की एप्लीकेशन में रख सकते हैं. और खास तौर पे जब आप यूजर को कंट्रोल दे रहे हैं, यूजर को एक्सेस दे रहे हैं, तो वो उस एक्शन का अंडू, यानी बैक ट्रैकिंग या रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रीवियस स्टेज पे भी जा सकते हैं. और यूजर इज इन कंट्रोल, यानी उस प्रोग्राम, उस गेम, उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जिसपे यूजर डायरेक्टली हर फीचर को एक्सेस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यूजर इज इन कंट्रोल. यूजर फील दैट आई एम इन कमांड, यूजर फील दैट आई एम इन कंट्रोल. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर. फॉर एग्जाम्पल आजकल की हाईटेक आप गेम्स देखें, जो एक्सबॉक्स है या इस तरह की कोई वर्चुअल रियलिटी बेस्ड आप देख लें, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड आप कह रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी खास तौर पे बेस्ड जिस तरह की गेम्स हैं या एप्स हैं, उसमें यूजर को कंट्रोल दिया, यूजर एक्सेस कर सकता है फीचर, यूजर जो भी एक्शन है उसका लाइव कस्टमाइजेशन, लाइव फीडबैक और प्रॉपर उसको प्रीवियस स्टेज पे अंडू, रिवर्सिबिलिटी, उसको यूजर को फुली कमांड, कंट्रोल, ऑथराइज दिया हुआ. जब यूजर को फुली कमांड, कंट्रोल और ऑथराइजेशन आप देते हैं ना, तो यूजर ऑनरशिप फील करता है. फॉर एग्जाम्पल जो जो आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जो जो आप फाइनल प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसमें यूजर को इतना मैक्सिमाइजिंग कंट्रोल दें, कस्टमाइजेशन ऑप्शन दें. मैं आपको मिसाल समझाता हूँ. आप बनाते हैं जी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का, अगर एक कोई मॉड्यूल बना रहा है तो एक रिपोर्ट डाल देगा जी, एम्प्लॉय देख लें कितने. और भाई इतनी कस्टमाइजेशन ऑप्शन दें,
रिपोर्टिंग फीचर में कि यूजर किसी भी ऑप्शन को, किसी भी एट्रीब्यूट को क्लिक करके अपनी मर्जी के मुताबिक वो रिपोर्ट निकाल दे। अगर मैं इम्प्लॉय का आपको टेबल या एंटिटी आपने कही है, मैं इम्प्लॉय में इतनी रिपोर्ट्स आपको बताऊं कि गिनना मस्त। वो अब जरा सुनते हैं, वो इम्प्लॉय बताते हैं जिनका ये ग्रेड है, वो इम्प्लॉय बताते हैं जिनका ये ग्रेड है, वो इम्प्लॉय बताते हैं जिनकी सर्विस को इतना साल हो गए, वो इम्प्लॉय बताते हैं जिनका डेजिग्नेशन ये है, वो इम्प्लॉय बताते हैं जिनकी सैलरी ये है, वो इम्प्लॉय बताते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इम्प्लॉय बताते हैं जो परमानेंट है, वो इम्प्लॉय बताते हैं जिनकी सर्विस को इतने साल हो गए, वो इम्प्लॉय बताते हैं जो इस्लामाबाद के एड्रेस पे, वो इम्प्लॉय बताते हैं जो ऑटो सिटी से आ रहे हैं। इम्प्लॉय में इतनी रिपोर्ट्स निकलेंगी कि आपकी सोच है कि यार ये क्या करे। आप बनाते जी एक डाटा ग्रिड में ये सारे इम्प्लॉई सारे ऐड है, ऐसे नहीं होता भाई। आप रिपोर्टिंग जब, ये आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ क्योंकि आप सारे फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कस्टमाइजेशन ऑफ रिपोर्ट्स रखें। इसका मतलब है कि जो भी यूजर है, जो भी रिपोर्ट निकालने वाला है, वो किसी भी एट्रीब्यूट के सिलेक्ट करके, बिल्ट इन नहीं, आप कस्टमाइजेशन दें, वो हर तरह की रिपोर्ट हर पैरामीटर से निकाल सकते। आप अगर फिक्स करके रख देंगे तो वो तो फिक्स होगी रिपोर्टें। अगर मैंने देखना है कि यार 20 साल पहले कौन कौन से हमारे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय थे, आपने ऑप्शन ही नहीं रखी, तो कहाँ से रिपोर्ट निकलेगी। तो आप कस्टमाइजेशन, जो अच्छे अच्छे जो स्मार्ट किस्म के जो क्लाइंट्स होते हैं, वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन कहते हैं कि भाई आप हमें कस्टमाइजेशन दें, हम अपने मुताबिक जो मर्जी एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे। मैं लेट से ग्रेड सेलेक्ट करता हूँ, ग्रेड 19 के कौन कौन से एम्प्लॉय है। अब मैं ग्रेड 19 सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, उसके आ जाएंगे। मैं ग्रेड 20 सेलेक्ट करूंगा, उसके आ जाएंगे। मैं कहता हूँ जी सर्विस ये जिनका इतना हो गया वो बता। तो आप यूजर को एक्सेस दे रहे हैं, यूजर को कमांड ऑथराइजेशन दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट स्लाइड रहेगी, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। मेटाफॉर इंटरफेस स्टाइल्स खत्म हो गए, तो हमने ये चीज समझनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस स्टाइल्स होते हैं और हर इंटरफेस स्टाइल को उठा के एप्लीकेशन में लगा नहीं देते। तो आपको ये देखना है कि किस तरह की एप्लीकेशन है, हम उसमें कौन सा एप्लीकेशन इंटरफेस स्टाइल चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल समझाने की देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है फाइनल पेपर में, या इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेमोरी के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ आप एक, जिस तरह बुक्स होती है ना बुक रीडिंग, इस तरह ऑनलाइन एक बुक बनाए। आगे जाके जब डिजाइन के आप प्रिंसिपल्स कुछ पढ़ेंगे, डिजाइन जब एक इंटरफेस करते हैं कुछ, अभी आप और प्रिंसिपल बनेंगे। भाई अभी तो आपने सिर्फ यूजेबिलिटी के प्रिंसिपल्स देखे, अभी तो आप सिर्फ ये देखा है कि एक अच्छे प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए ये फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर, जो मैंने पेपर में पूछा था कि विजिबल कंस्ट्रेंट उसमें होनी चाहिए, नेचुरल मैपिंग होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल मॉडल होना चाहिए, विजुअल अफोर्डेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट, एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें ये फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए मौजूद, और उनको ध्यान में करते हुए आपने ये चीजें बनानी है सोच में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अगर आपने एक ऑनलाइन एक बुक बनानी है जिसको, जिसमें कुछ चैप्टर्स होंगे, और चैप्टर्स में आपको हेडिंग्स भी होती हैं, जिस तरह आप अपनी फाइनल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब एक पेज से नेक्स्ट पेज पे नेविगेट करना है, किसी खास चैप्टर पे जाना है, किसी खास पेज पे जाना है, तो वो डेफिनेटली आप एक ऑनलाइन एक बुक बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट इंटरफेस स्टाइल है, अब आपने देखिए कितने इंटरफेस स्टाइल पढ़े, मैं भी अब नाम नहीं बताऊंगा, तमाम लोग अपने जहन में आंसर सोचे, देखिए कौन सा इंटरफेस स्टाइल आपने पढ़ा। हमने पढ़ा कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस स्टाइल, हमने पढ़ा फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल, हमने पढ़ा मेन्यू बेस्ड इंटरफेस स्टाइल, हमने पढ़ा विम्प इंटरफेस स्टाइल, हमने पढ़ा डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस स्टाइल, हमने पढ़ा पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस स्टाइल, हमने पढ़ा क्यूरी बेस्ड इंटरफेस स्टाइल पढ़ा, हमने डिफरेंट इंटरफेस स्टाइल पढ़े, 8 to 9 इंटरफेस स्टाइल पढ़े, और हमने देखा। अब हमने देखना कि मैंने कहा जी कि ऑनलाइन एक अपने बुक बनानी है, जिस तरह यूजर ने, रीडर ने जो है नेविगेट करना है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, किसी टॉपिक वाइज आना है। अगर आपने ऑनलाइन बुक बनानी है, या ऑनलाइन आप कोई इसी तरह की रीडिंग का या कोई चीज बनाते हैं, जिस तरह ऑनलाइन आप कोई अपना लेक्चर्स का बनाते हैं, जिस तरह कोर्स आउटलाइन आपको मिलती है, मेरे कोर्स आउटलाइन आपके पास पढ़ी भी है भी, अपलोड भी की हुई है, तो जिस तरह टीचर ऑब्जेक्टिव है, कोर्स की डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, वीक वाइज है, कंटेंट है, असेसमेंट क्राइटेरिया है, सजेशन है, ये सारी चीजें हेडिंग है, और उसके अंदर सब हेडिंग सारी चीजें आ जाती हैं। अगर ये आपने इस तरह की बनानी है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इंटरफेस स्टाइल है वो पॉइंट एंड क्लिक है। यूजर किसी सेक्शन को पॉइंट करेगा जो भी उसके इंटरेस्ट का है, और उस पर क्लिक करेगा, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसमें कोई मेन्यू बेस नहीं है, ये है वो है। तो अगर आप कोई बुक बनाना चाह रहे हैं, तो बुक पे भी आप ज्यादातर पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस स्टाइल पढ़ेंगे। आपने देखा होगा पॉइंट एंड क्लिक, जब मैंने पढ़ाया था तो आपको कहा था कि ज्यादातर ये मल्टीमीडिया टाइप ऑफ एप्लीकेशन या ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन के लिए सूट करता है।
तो ये चीज याद रखनी है कि किस तरह का सिनेरियो, किस तरह की एप्लीकेशन है, तो आपने किस तरह का अपना इंटरफेस स्टाइल और लेआउट को चूज करना है। तो मेटाफोर क्या होता है, डेफिनेशन हम देखते हैं, मेटाफोरिक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी, किसी भी फीचर को आपने किसी इमेज, आइकन्स या किसी थीम से रिप्रेजेंट करना है, तो वो आप मेटाफोर्स को इस्तेमाल करते हैं। मेटाफोर्स यानी साइन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आइकन सिंबल्स एंड इमेज रिप्रेजेंटिंग योर सिस्टम फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, हटके जरा मिसाल देता हूँ। आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, कोई और टूल आप यूज करते हैं, आप देखिए वहां पर कोई ना आपको इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी नजर आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट आपको नजर आएगा, उस पर जो ही आप आइकन आइकन रखेंगे तो वो टूल टिप टेक्स्ट में शो करेगा, प्रिंटर अगर आप उस पर क्लिक करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो कर देगा, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे और उस पर क्वेश्चन मार्क अगर आ रहा है तो अगर डिस्क्रिप्शन है तो वो भी शो गई, मगर क्लिक करेंगे, अगर प्रिंटर का लफ्जी मतलब किसी को नहीं पता मगर उसका एक सिंबल या साइन या आइकन उसने किसी ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन शो की है, प्रिंटर की इमेज शेप दी है जो प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली मैप होना चाहिए। देखें कॉन्सेप्चुअली मैप होना चाहिए का मतलब है कि प्रिंटर का जो आप इमेज शो कर रहे हैं, जो प्रिंटर की एक्चुअल शेप है, जो कन्वेंशन है या जो माशरे में यूज हो रही है, वो ही आप शो करेंगे। अब प्रिंटर को आप कोई किसी और सिंबल से साइन से शो करेंगे तो वो यूजर कंफ्यूज रहेगा कि यार ये किसका साइन है, ये क्या पर्पज है, कट है तो वो कैंची शो कर रहा है, पेंट है तो रीप्रिंट है तो वो पेंट को शो कर रहा है, कॉपी है तो वो कॉपी की चीज शो कर रहा है, सेव है तो फाइल फ्लॉपी की डिस्क की शो कर रहा है। वो मेन्यूज में भी ऑप्शन है मगर आपने शॉर्टकट बार्स में वो मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन शो कर भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप वो देखें कि हैंडल के साथ जो है वो नेविगेशन कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, जो लेटेस्ट आजकल की जो कार्स हैं उसमें आप देखें कि जो जो उसका स्टेयरिंग है उस पर ही आपको कंट्रोल नजर आ रहे हैं और उस पर इमेज के साथ भी शो किया जा रहा है, उस पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है हल्का सा कि यार ये हाई है, ये लो है, ये कंट्रोल्स के लिए प्लस है, ये माइनस है, और वो जो वाइपर अफोर्डेंस है या इंडिकेटर्स देने के लिए तो वो भी आप कोई इमेज से शो करें। फॉर एग्जाम्पल बुक है तो बुक के लिए आप किताब को शो करेंगे, सर्च है तो वो मैग्नीफायर का एक ढूंढने के लिए दूरबीन फाइंड को सर्च को शो कर सकते हैं, नेविगेशन है तो नेविगेशन अगर आपने दिखानी है तो उसके लिए सिस्टम की फंक्शनैलिटी या मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन आप कैसे शो करेंगे, अगर आपने नेविगेशन शो करनी है तो वो एरो का एक सिंबल है वो आप एरो को दिखा दें तो एरो को ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि टुवर्ड्स राइट है तो लोगों को पता लग जाएगा कि नेक्स्ट पेज की तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट है तो पिछले प्रीवियस पेज पे है, बजाय कि आप नेक्स्ट जो प्रीवियस लिखे तो आप एरो से भी शो कर सकते हैं। होम स्क्रीन है तो आप होम बना दें और उस पर अगर होम स्क्रीन अगर आप एडोब फोटोशॉप डिजाइन भी करते हैं, एफर्ट करते हैं, होम और होम पे भी लिखा हो उसके साथ और होम भी बनाओ तो यूजर को इजीली वो समझ आ जाएगी अच्छा होम मेन्यू पे जाना है। तो किसी भी सिस्टम फंक्शनैलिटी को आप किसी मेटाफोर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेटाफोर एक टर्म है जो किसी भी सिस्टम फंक्शनैलिटी को आप किसी आइकन से, इमेज से, साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला लेक्चर जो है खत्म होता है, अभी हम इसका नेक्स्ट जो आगे कंटिन्यूटी डिजाइन की कोई चीजें वो शुरू करेंगे और तकरीबन 30 मिनट्स लेक्चर को हुए, 4-5 मिनट हमने वेट किया था तो 40 मिनट्स के बाद ये लेक्चर जूम का सेशन एंड हो जाता है, बट जो हमारे सीआर हैं वो जूम का लेक्चर दोबारा जनरेट हम करेंगे और वो दोबारा इसको कंटिन्यू भी कर देंगे। तो मैं अभी इसको जो है दूसरी एक लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, तो आप जरा जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। जी नुमान आप कंटिन्यू करें जी, अलाउ है जी, आवाज आ रही स्टूडेंट्स? जी अच्छा, अब हम डिजाइन की चीज, इंटरफेस स्टाइल खत्म हो गया, अब हम डिजाइन की बात करते हैं और डिजाइन से कुछ डेफिनेशन और आगे ये एक आर्टिकल आ रहा है जो आपको नजर आ रहा होगा, इंटरफेस डिजाइन व्हेन यू डोंट नो हाउ। ठीक है, इससे पहले यानी ये टाइट ये एक रिसर्च पेपर था, मैंने इसको स्लाइड्स में कन्वर्ट किया कि जब आपको इंटरफेस डिजाइन ना करना है, जब आपको कुछ भी पता ना हो तो किन स्टेप्स को, किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप इंटरफेस को डिजाइन करेंगे। ठीक है, वो भी देखते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डिजाइन क्या चीज है, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन डिजाइन क्या है, इंटरफेस डिजाइन क्या है, विजुअल डिजाइन क्या है।
ये डिफरेंट डेफिनेशन टर्म्स है। डिजाइन की बात करें तो एक चीज क्लियर करते हैं कि डेटाबेस डिजाइन भी एक टर्म होती है, ठीक है। अगर इस यहाँ पर जो डिजाइन टर्म लिखा हुआ है, इस डिजाइन का मतलब जो है ना वो इंटरफेस है, लेआउट है। एक जब याद एक चीज याद रखेंगे, जब आप डिजाइन की जो फेस की बात करते हैं तो उसमें डेटा मॉडलिंग या डेटाबेस डिजाइनिंग, डेटाबेस डिजाइनिंग से अच्छी टर्म इंडस्ट्री में होती है डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग जब फेस आप शुरू करते हैं तो उसमें एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स और टेबल्स, ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, रिलेशन, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। बट व्हेन यू फिनिश योर डेटाबेस डिजाइन तो एक और चीज डिजाइन में एक और आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस या लेआउट्स डिजाइनिंग, यानी ग्राफिक सेक्शन एक आ जाता है मेजर। तो आप इंटरफेस डिजाइन की बात करते हैं, अब कुछ चीजें हमने और पढ़नी है कि क्या क्या चीजें आ जाती है। सॉफ्टवेयर डिजाइन का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन डिजाइन का क्या मतलब है, इंटरफेस डिजाइन का क्या मतलब है, और ये इन इन टर्म्स का क्या मतलब आ जाता है। जस्ट अ मिनट, व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक सॉफ्टवेयर डिजाइन, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है When you say software design, तो software design में सारी चीजें आ जाती हैं। आप अगर आप structured analysis design approach, क्योंकि आप तो structured analysis design approach को follow नहीं कर रहा, अगर जो structured यानी procedure programming करते हैं, अगर आप PHP में final project बना रहे हैं तो remember this thing कि PHP is not an object oriented language, PHP is a structured oriented language, और वो मेथड बना बना के आप काम करते हैं। हाँ, अगर आपने उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया तब आप UML के डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। अगर आप PHP में काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड या वो डॉक्यूमेंटेशन बनानी है जो फ्लो चार्ट है, डेटा फ्लो डायग्राम्स है। हाँ, एक डायग्राम क्लास डायग्राम या क्लास डायग्राम या यूज केस शो कर सकते हैं, मगर आपको UML की प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर नोट। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इंटरफेस डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, जो UML डिजाइनिंग के जो डिफरेंट है, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ये सारी चीजें जो है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस मॉडलिंग, डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो वो भी स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर आ जाता है, उसका आर्किटेक्चर लेआउट। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ सुपरसेट, ये जो एक कैटेगरी है ये एक सुपरसेट टाइप है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करें तो उसमें डेटा मॉडलिंग फेस वो भी आ जाती है, फिर उसमें जो जो डिजाइन के डॉक्यूमेंट्स है वो भी आ जाते हैं, जो डिजाइनिंग फेज के मैंने अभी जो आपको नाम पढ़े हैं, सीक्वेंस डायग्राम है, पैकेज है, क्लास डायग्राम, इंटरैक्शन एंड बहुत सारे डिजाइन की चीजें आ जाती हैं। और व्हेन यू टॉक अबाउट लेआउट्स तो उसमें लेआउट्स भी आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन डिजाइन। इंफॉर्मेशन डिजाइन की बात करें तो जिस तरह फ्लो चार्ट है, डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं, ये चीजें एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही होती है कि प्रोसेस या मॉड्यूल्स क्या है और डेटा कैसे एक मॉड्यूल से दूसरी मॉड्यूल्स में कैसे ट्रेवल कर रहा है। और फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो डायग्राम्स अपने तौर पर शो कर रहे हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली प्रोग्राम के अंदर की यानी मेथड जो है, प्रोसेस जो एक है, मेथड बनता है और कोडिंग पॉइंट व्यू से, और उसके अंदर की डिटेल शो कर रहा होता है और इंडिविजुअली। और जो डेटा फ्लो डायग्राम्स है वो एक्सटर्नल लेवल पे ही मेजर बता रहा है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप कैसे जा रहे हैं और कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन डिजाइन के अंदर अगर आप बात करें तो आप इसमें भी जो HCI है और इसके अंदर भी आप कंसेप्चुअल डिजाइन जब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा आगे जब डिजाइन को थोड़ा सा और नेविगेट करेंगे तो डिजाइन के अंदर आप देखेंगे कंसेप्चुअल डिजाइन कैसे करते हैं आप। प्रोटोटाइपिंग की जो एक टेक्निक है, स्केचेस बनाने की, एक आइडियाज बनाने की, तो आप पेपर बेस्ड एक डिजाइन बनाते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल यूजर का एक शो कर रहे होते हैं उस डिजाइन के अंदर, लेआउट के अंदर। और उस डिजाइन के अंदर आप फिर ये बता सकते हैं कि आपने इंटरफेस स्टाइल क्या चूज किए और आपने कंट्रोल मैकेनिज्म क्या रखा हुआ है, इनपुट और आउटपुट कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे रखा है, यूजर का इंटरेक्शन कैसे रखा है, कमांड से, टच बेस से किस तरह रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन डिजाइन में शो हो जाती है कि मतलब अगर आपने HCI के अंदर अगर आपने एक डिजाइन बनाना है
स्केचेस पेपर बेस्ड आइडियाज बना के, तो आप लेआउट्स वगैरह बना के रफ स्केचेस से फिर आप उसको इम्प्रूव करते हैं और आप बता सकते हैं कि फ्रॉम वन फीचर टू अनदर फीचर कैसे हो रहा है, मूव कर रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करी है। अच्छा, अब इंटरफेस डिजाइन और मतलब विजुअल डिजाइन में कलर्स वगैरह आ जाते हैं, कलर्स और ग्राफिक्स की सारी चीजें आ जाती है जो इंटरफेस है। इंटरफेस पे आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन तो आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल यूज करके स्केचेस बना रहे हैं। When you say about interface, तो इंटरफेस में आपने फिर आपने सॉफ्टवेयर को यूज करना है, आपने फॉर्म्स बनाने हैं, लेआउट बनाने हैं, एक्चुअल बनाने हैं। ये याद रखें कि इंफॉर्मेशन और इंटरफेस में फर्क है। इंफॉर्मेशन आप जिस तरह फ्लो चार्ट आप डेटा फ्लो डायग्राम्स आप डायग्राम एक बना के शो कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बट और इसी तरह आप पेपर बेस्ड स्केचेस जब बना रहे होते हैं, लेआउट बना रहे होते हैं डिजाइन का, तो उसमें भी आप एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं कि अच्छा ये लॉगिन है, ये बटन एक्सप्रेस होगा तो ये फॉर्म खुलेगा, ये लेआउट होगा, ऐसा होगा, ठीक है। बट व्हेन यू से अबाउट इंटरफेस, तो इंटरफेस में आपने फिर आपने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करनी है, आपने फॉर्म्स बनाने हैं, आपने उसके लेआउट कंट्रोल्स, सीक्वेंस, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें शो करनी है। व्हेन यू से अबाउट इंटरफेस, तो उसमें प्रॉपरली लेआउट, डायलॉग बॉक्स, ये सारी चीजें शो करनी है। और विजुअल डिजाइन की बात करते हैं, तो फिर विजुअल की जब बात करते हैं, जब आप इंटरफेस बना लेते हैं, फिर आप उसमें जो है ना कलर्स कॉम्बिनेशन ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन एक अलग चीज शो कर रही होती है, इंटरफेस एक अलग चीज शो कर रही होती है। जी ये छोटा सा एक आर्टिकल है, ये देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि इंटरफेस डिजाइन व्हेन यू डोंट नो हाउ, यानी ये एक आर्टिकल था कि इंटरफेस डिजाइन व्हेन यू डोंट नो हाउ मींस व्हेन यू डोंट नो हाउ टू डिजाइन एन इंटरफेस, एक्चुअली डिजाइन इंटरफेस, तो फिर आप क्या स्टेप फॉलो करें। तो एक इसमें जो पहली हेडिंग है ए डूइंग द राइट थिंग्स, और दूसरी है डूइंग देम राइटली, और फिर नीचे सी में आ रहा है कि डिजाइन प्रोसेस यूज करें। जब आपको कुछ नहीं पता तो पहली जो एक आपको वो एक गाइडलाइन दे रहा है और वो कह रहा है कि जी नुमान ये लेक्चर जब डूइंग 40 मिनट्स के करीब होगा तो आप लेक्चर को बेशक पॉज कर दें या जनरेट कर दें और फिर उसके तकरीबन हम जो है स्टार्ट रीसेट यहीं से दोबारा लेक्चर को स्टार्ट कर, फिर आप उसको भी कैप्चरिंग शुरू कर दीजिएगा, 2-3 मिनट का वक्फा दे दीजिए। तो जी यहीं पर पॉज कर दीजिएगा, जब अभी एंड होगा तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, तो वहां से आप दोबारा शुरू कर के मेरा सेशन एंड होगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन जब कर लेंगे तो उसको दोबारा स्क्रीन जब लेक्चर आ जाएगा वैसे। तो डूइंग द राइट थिंग में कह रहे हैं स्टडी ऑफ सिमोटिक्स, यानी स्टडी ऑफ सिंबल्स को आपने करना है। अब स्टडी ऑफ सिंबल्स का मतलब है जो साइंस और सिंबल्स और कन्वेंशन यूज करेंगे आप अपने एक प्रोग्राम के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अब उसमें चार तरह की जो सिमेटिक्स है यानी सिंबल्स है, चार तरह की होती है, लेक्सिकल स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिक्स, सिमेटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। आपने ये लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्टिक्स ये जो चीजें हैं आपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़ ली होंगी या पढ़ रहे होंगे, ये वो वाली चीजें नहीं है। इसका इंटरफेस और लेआउट से इन टर्म्स का मतलब है, ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं कहूँ लेक्सिकल एनालाइजर आपने करना है, सिंटैक्टिक एनालाइजर करना है, तो वो वहां पे आपने वो ग्रामर और वो चीजें